इंटरनेट ने हमारी दुनिया ही बदल दी। ये हमारी जिंदगी की हर रोज की जरूरत बन चुका है और इस समय में उंगली के दम पर ही सारे काम किए जा सकते हैं। जहां एक तरफ कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया, वहीं दूसरी तरफ किसी की जिंदगी भी जल्दी ही बर्बाद कर देता है। और इसकी वजह है हैकिंग। जब भी हम मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हर किसी को डर लगता है कि कहीं हमारा सिस्टम भी हैकिंग का शिकार न हो जाए, और हैकिंग करने वाले को कहते हैं हैकर। इसलिए आज हम आपको ऐसे 5 हैकर्स के बारे में बताएंगे जो समय समय पर पूरी दुनिया को अपने हैकिंग के कारनामों से हैरान कर दिया था। नंबर 5, गैरी मैकनान। गैरी मैकनान, जिसे इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से जाना जाता है, जिसे एलियंस और UFO के बारे में जानने की काफी रुचि थी। ज्यादा जानकारी के लिए उसने सीधे नासा की वेबसाइट को ही हैक कर एक्सेस किया और कुछ फाइलें भी डिलीट भी कर दी। ये दुनिया के टॉप हैकर में से जाने जाते हैं। मैरी मैकनान ने नासा के वेबसाइट को अपने गर्लफ्रेंड की आंटी के घर से हैक कर लिया था। साथ ही नासा ने 97 कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में कर लिया था और कुछ फाइल्स को डिलीट करने के बाद उसके वेबसाइट पर एक मैसेज भी भेजा था कि आपकी सिक्योरिटी कितनी खराब है। उसके बाद भी मैकनान ने कहा कि वे सिर्फ UFO और सौर ऊर्जा के नियंत्रण के उपाय ढूंढ रहे थे। और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उसने 300 कंप्यूटर पर अपना नियंत्रण जमाया और अनगिनत बेहद महत्वपूर्ण फाइलों को डिलीट भी कर दिया था, जिससे अमेरिकी सरकार को $70 लाख का नुकसान हुआ था। नंबर 4, केविल पालसन। केविल पालसन, जिसे डार्क दांते के नाम से भी जाना जाता है, केविल पालसन ने एवज में एक शो को जीतने के लिए एक रेडियो स्टेशन का सिस्टम ही हैक कर लिया था और शो भी जीत लिया था। इस दौरान उसने 15 मिनट तक सभी के फोन लाइनों पर कब्जा जमाए रखा। कार का मालिक बनने के बाद केविल पालसन पर FBI की नजर गई। फिर उसने FBI पर भी हमला बोल दिया और FBI के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, और बाद में उसे एक सुपरमार्केट सिस्टम को भी हैक कर लिया था। बाद में उसे इस अपराध के लिए, जैसे कंप्यूटर फ्रॉड, मेल वायर और मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी पाए जाने पर 51 माह की सजा सुनाई गई थी। सजा काटने के बाद केविन ने पत्रकारिता की राह पकड़ी और इस समय वायर्ड की एक सीनियर एडिटर हैं। इस साइबर क्राइम में अमेरिका पुलिस की मदद भी करते हैं। नंबर 3, अल्बर्ट गोंजालेज। आज के समय में हर कोई इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करता है, लेकिन यह कितना सुरक्षित है यह हम सभी में से किसी को पता नहीं है। ऐसे ही एक अमेरिका के हैकर अल्बर्ट गोंजालेज की कहानी है, जिसे अमेरिका के आधी आबादी, लगभग 17 करोड़ लोगों के डेबिट क्रेडिट कार्ड का डाटा बेचकर अल्बर्ट गोंजालेज ने करोड़ों कमाए। इस डेबिट क्रेडिट चोरी को अभी तक अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा चोरी बताया गया है, जिसमें अल्बर्ट गोंजालेज ने 17 करोड़ ATM नंबर और क्रेडिट कार्ड को बेचा है। इस काम के लिए उसने एक स्नीपर को इंस्टॉल किया था, जो कि इंटरनेट कॉर्पोरेट नेटवर्क से डाटा चुरा लेता है। इस अपराध के लिए उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। नंबर 2, केविन मिटनिक। केविन मिटनिक एक कंप्यूटर हैकर है। उन्हें अमेरिका इतिहास में अब तक का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल भी बताया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े हैकर में से एक है। 3 साल जेल में गुजारने के बाद उसे फिर से 2.5 साल के लिए फिर जेल भेज दिया गया था, क्योंकि उसने अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम को हैक किया था और साथ में कॉर्पोरेट सीक्रेट के डाटा भी चुराए थे। इस तरह के मिटनिक ने 5.5 साल जेल में बिताने के बाद खुद को बदल लिया और बाद में वह कंसल्टेंट में काम करने लग गए और साथ ही लोगों को कंप्यूटर सुरक्षा पर टिप्स देने लगे। बाद में साइबर सिक्योरिटी की काम करने वाली खुद की कंपनी चला ली। इनकी जिंदगी पर 2 हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। नंबर 1, जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स, जिसे इंटरनेट की दुनिया में कामरेड के नाम से भी जाना जाता है, वे आज भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जिससे उन्हें सबसे बड़े हैकर का खिताब दिलवा दिया था। छोटी उम्र में उन्होंने अमेरिकी सरकार की लगभग सभी डाटाबेसों, जैसे रक्षा विभाग, नासा के नेटवर्क को हैक कर अमेरिकी सरकार को घुटने के बल ला दिए थे। जोनाथन जेम्स ने नासा को हैक किया था। जोनाथन जेम्स जब 15 साल के थे तब उन्होंने दुनिया की सबसे सुरक्षित अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जिसकी सुरक्षा में दुनिया भर के कई सारे स्पेशलिस्ट लगे रहते हैं, उनको अपने मनोरंजन के लिए नासा के नेटवर्क को हैक कर लिया था और उनसे अंतरिक्ष स्टेशन संचालन की पूरी जानकारी निकाल ली थी, जिसकी मूल्य लगभग $17 लाख के बराबर थी, जिसके कारण नासा को मजबूर होकर अपने काम को 3 सप्ताह तक बंद करना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें करीब $41,000 का नुकसान भी हुआ था। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा कहां उन्हें छोड़ने वाली थी। कुछ दिनों के बाद जेम्स को उन्हीं के प्रोग्राम से नासा ने उन्हें पकड़ लिया और उसे हैकिंग के जुर्म में 6 महीनों की सजा सुनाई गई। उस घटना के बाद कई और कंपनियों के साथ भी हैकिंग हुई, जिसकी नजर जेम्स पर थी, जिसके बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां भी उसके पीछे पड़ गई और डिप्रेशन में आने के बाद उसने 2008 में आत्महत्या कर ली थी।